गुड मॉर्निंग गाइस, आई नो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा फर्स्ट व्लॉग वाली फीलिंग आ रही है, यू नो, कि बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। सो व्लॉग्स नहीं बनाने के बहुत सारे रीजन थे, वो तो मैं आपको आगे चलते बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारी गुड न्यूज भी आप लोगों से शेयर करनी है। सो वो भी बनाती हूँ, लेकिन सबसे पहले जैसे मेरी मॉर्निंग की जो मैं शुरुआत करती हूँ ना गर्म पानी से, वो कर देते हैं। और सुबह सुबह ना ऐसे स्माइल किया करो तो दिन भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये हो गया मेरा गर्म पानी रेडी और मम्मा बताती हूँ मम्मी क्या कर रही है। हेलो मम्मा, गुड मॉर्निंग। ठंडी तो इधर ही आई है, बहुत ठंड लग रही है क्या? देखो मुझे गर्मी लग रही है, इसको ठंडी लग रही है। तो यहाँ तो बहुत ठंड चल रही है हमारे घर में अभी फिलहाल। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी गुड न्यूज क्या है। सो गुड न्यूज इसमें ऐसा है कि अब यू नो मेरी जो मैं ट्रेनिंग करती हूँ उसकी जो फी होती है अब वो मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी। तो है ना बहुत बड़ी गुड न्यूज, मतलब अब मेरा धीरे धीरे यू नो अपग्रेड हो रही हूँ, मतलब मेरा बहुत अब धीरे धीरे मैं आगे भी बढ़ रही हूँ, मेरा अपग्रेड भी हो रहा है। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता है क्या, लेकिन उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। बिकॉज वहाँ पे एज अ फैमिली मेम्बर यू नो सबको ट्रीट किया जाता है, और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं वहाँ पे यू नो जॉब करती हूँ। मेरे दिमाग में कभी ख्याल आया ही नहीं है। हालांकि लोग बहुत लोग पूछते हैं कि तू कहाँ पे जॉब करती है, तो कभी कभी मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं वहाँ पे सिखाती हूँ बच्चों को। मैं यही बोलती हूँ कि आई एम, मतलब मैं वहाँ पे बच्चों को सिखाती भी हूँ, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। सो ये है गुड न्यूज़ कि मैं धीरे धीरे भी आगे बढ़ रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि वेट लॉस, मतलब अभी मैं वो फिटनेस पे फोकस कर रही हूँ, वेट लॉस मतलब करना है, मसल्स गेन, स्पीड। तो अब उसका मुझे एक प्रॉपर शेड्यूल मिल रहा है फिटनेस का, तो मैं अलग से उसका वीडियो में यू नो डालने वाली हूँ। सो अगर किसी को भी यू नो वेट लॉस के टिप्स चाहिए, सो प्लीज़ वहाँ पे जो भी मैं फिटनेस करती हूँ वो जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। वो गेम के रिलेटेड भी है और फिटनेस वाइज मतलब ऑल इन वन है। सो मैं उसके अलग से वीडियो रखने वाली हूँ, तो अगर किसी को भी यू नो वो हेल्प चाहिए तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। हाँ, एक और चीज़ बहुत अजीब सी हो गई है यार, लेकिन वो मैं अभी आपको जिम से आने के बाद ही बताऊंगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी नॉट लेट, नो आई एम नॉट लेट, बट अभी मुझे रेडी भी होना है जाने के लिए। सो पहले तो हम चलते हैं जिम में। और तो जिम में जाके सबसे पहले तो वेट चेक करते हैं कि कितना वेट है मेरा। और मैं पहुँच ही गई ना अभी तो। हेलो वेलकम बैक। सो अभी यू नो 11:10 हो गए और मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले अभी यू नो मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी से और मम्मा से बात भी कर लेते हैं। तो लेट्स गो कि खाने में क्या है। बट फॉर इंफॉर्मेशन कि अभी तक खाना नहीं बना है, सो अभी जो होगा नहीं वही खा के जाने वाली। मैं अभी तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है और ये तो अभी शायद मुझे यही खा के जाना पड़ेगा। दिस इज़ द गोलगप्पा। सो आप मेरा लंच भी देख लो या कुछ भी देख लो, बट मैंने सुना है कि इसमें नमक ज़्यादा हो गया है, तो अभी देखती हूँ अच्छा लगा तो ठीक है वरना। सुनो मम्मा से ही पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। और ये रही मम्मा। हाय मम्मी। हाय मम्मी। खावा मा तो आज कहीं नहीं मिले ना। मने काय खबर नहीं पड़ती। सुनी खबर करते खाओ नहीं ओके पनीर नहीं तो सूखे नहीं जो गोलगप्पा ने जोड़े छाछ ले जा हारो लाग से जा।
मस्त लग रहे ना दोनों। तने तो लिपस्टिक खाई गई। सो आज मूड જ નથી પેલો કામ કરવાનો, કામ કરને મને કે ને ન્યા જોઈને કેમ બોલે છે? તારે આમ જ જોઉં છું, મારા જોડે ટાઈમ નહી અત્યારે, 10-20 મિનિટ બાકી છે, કે દી ટાઈમ હોય છે એમ કે ને ગોલી કુટાણી છે ઓળખો છો તને હો જા जल्दी से खाना खाती हूँ, बिकॉज बैग को भी रेडी करना है, यू नो जो मुझे सामान ले जाना वो भी रेडी करना है। हाँ, सब बाकी है, प्रेयर भी बाकी है, बोल दिया ना प्रेयर तो कर। हाँ ले जमी तो लाऊ। सो मेरा सब कुछ हो गया है कंप्लीट, बट एक चीज जो यू नो मैं आप सबको बताने वाली थी, दिखा भी रही हूँ कि जो दांतों में लगाने वाला था ना वो एक्चुअली है कैसा और क्या है, बहुत ही इरिटेटिंग है। तो मैं वो दिखाती हूँ कि वो क्या है, वो है वो कुछ नहीं, ऐसा दिखता है जैसे इसको क्या बोलते हैं, डोड्यू, मतलब क्या वो? आने से फ्रिज में मुंह के दो, फ्रिज में मुंह आने से क्या है ना खबर, चोकठू, चोकठू के तो ये कैसा दिख रहा है, चोकठू जैसे यू नो बूढ़े लोग हो जाते हैं, मतलब जो ओल्ड, मतलब जिसके तो है ना इसको चोकठू, तो बस सेम वैसे ही है, मतलब इनविजिबल जो लोग लगाते हैं वो। और ये सच में बहुत इरिटेटिंग है, बिकॉज इसको लगाने के बाद दिखाती हूँ मैं। ओके, दिखता तो नहीं है ये ऐसा है, हाँ दिख रहा है, मतलब दूर से तो समझ में नहीं आएगा कि यू नो ये कुछ है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना तो आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा होगा कि नहीं बोला जाता अच्छी तरह से। ऐसा अब तोतला भी लगता है, और यू नो ऐसा लग रहा है जैसे तोतले हो गए। हाँ सचिव में पहले तो स्टार्टिंग में बच्चे भी हंस रहे थे, मतलब हंस रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी कि मैं बोलूँ मैं कैसे बोलूँ, तो ये ना कंटिन्यू बोलने की वजह से गले में कुछ हो गया था, तो मैं वो बोल नहीं पा रही थी, तो अभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। अभी ये 1 ईयर रखने ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यू नो कैसे रखूँगी, और इसको लगाने के बाद आप कुछ खा नहीं सकते हो, पानी पी सकते हो, तो वो भी मेरे लिए चैलेंजिंग है, बिकॉज बार बार ये यू नो लेस गो। तो फिलहाल तो अभी हम हम चलते हैं, मेरे बोलने में सच में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आती आने वाली नहीं आ ही रही है। सो मैं अभी जल्दी से निकलती हूँ एकेडमी, और वहाँ आज क्या होने वाला है मुझे खुद को नहीं पता है, बिकॉज आज है फ्राइडे। कुछ लोगों ने बताया था कि आज मैच होगा या तो कोड ड्राफ्टिंग, बता नहीं, बस देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। तो ये पहन के मतलब मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ, कैसे यू नो शूट करूँ, बिकॉज कुछ वर्ड्स ऐसे हैं आप देख रहे हो मैं मतलब क्या हो रहा है बोलने में, तो इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, एंड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है ये।
सो यू नो व्हाट, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज घर आते आते बहुत ठंडा पानी है, वेट, बिकॉज ठंडे पानी में पैर रखने से पैरों को थोड़ा रिलैक्स मिलता है ना, तो इसलिए ये, लेकिन सच में बर्फ जैसा ठंडा पानी है ये। घर आते आते मैं 11 बज गए मुझे, बिकॉज इतना ट्रैफिक एंड पूरा 1.5 आवर्स मैं ऐसे खड़ी थी, हाथ में बैग वैग लिए हुए, और बहुत 11 तो इसलिए अभी मैंने ठंडे पानी में पैरों को रखा है। एंड हैप्पी मकर संक्रांति, बिकॉज ऑलरेडी यू नो 12:15 हो ही गए, और अभी मैंने दांतों में नहीं लगे तो मैं ठीक से बोल पा रही हूँ, बिकॉज मैं 24 आवर्स में वो नहीं रख सकती, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। सो फिलहाल मैं इस लोग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे।